नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान और मतगणना के पश्चात अब नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार समापन की ओर अग्रसर है। ऐसे में नगर पालिका परिषद सीधी के वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद पद हेतु शिवसेना प्रत्याशी प्रफुल्ल कुमार ठारवानी भी अपने जनसंपर्क अभियान को अंतिम रूप दे रहे हैं। प्रफुल्ल कुमार ठारवानी वार्ड क्रमांक 5 के लोगों के लिए अपरिचित नहीं है। क्षेत्र के लोगों की जरूरतों के लिए मदद करने में हमेशा आगे रहने वाले प्रफुल्ल कुमार ठारवानी वार्ड क्रमांक 5 के योग्य शिक्षित और वार्ड के चौमुखी विकास के लिए कृत संकल्पित हैं, इसलिए शिवसेना ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। उनका चुनाव चिन्ह तीर कमान है और मतपत्र में उनका नाम दूसरे नंबर पर अंकित है। गुड मॉर्निंग से चर्चा में प्रफुल्ल कुमार ठारवानी ने बताया कि उनका सपना है कि उनका वार्ड क्रमांक 5 हर लिहाज से सीधी नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत सर्वोत्तम वार्ड बने, जहां बिजली, पानी, सड़क, स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाएं तो लोगों को मिले ही, इसके साथ ही सर्व सुविधा संपन्न आंगनबाड़ी केंद्र, बच्चों के खेलने के लिए सुविधा संपन्न पार्क, बुजुर्गों और महिलाओं के टहलने के लिए वॉकिंग जोन और वार्ड में पर्यावरण के लिहाज से शानदार हरियाली जैसी सुविधाएं भी उनकी प्राथमिकता में शामिल हैं। प्रफुल्ल कुमार ठारवानी ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी और वार्ड क्रमांक 5 का कायाकल्प करने का अवसर प्रदान करेगी। गुड मॉर्निंग से बातचीत में प्रफुल्ल कुमार ठारवानी ने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पर मेरे कई सारे उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति के लिए मैं पहले ही दिन से वचनबद्ध हूँ और मैं वचन देता हूं कि अपने सारे कार्यों को मैं बेहतर तौर पर अंजाम दूंगा, जैसे कि सड़कों की मरम्मत करवाना, निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करना, नई नालियां बनवाना, नए निर्माण कार्य जैसे कि सामुदायिक भवन या फिर एक नया पुस्तकालय, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जल आपूर्ति की भी समस्या है तो उससे मैं सबसे पहले उसका निराकरण करूंगा, क्योंकि जल एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है और लोग आज मेरे वार्ड की जितनी भी जनता है वो जल आपूर्ति से कहीं ना कहीं जूझ रही है। मैं इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए वचनबद्ध रहूंगा और पूरी तरह से मुझे अगर जनता जनार्दन मौका देती है, आशीर्वाद देती है, तो मैं पहले दिन से ही अपने कार्यों में लग जाऊंगा। हमने वार्ड वासियों की समस्याओं का बहुत ध्यान दिया है, अभी तक हम अपने वार्ड में भी कार्य करते आ रहे हैं लगातार, और साथ ही साथ में हमारे मेरे बड़े भाई साहब जो इस दुनिया में नहीं है, श्री राहुल ठारवानी जी, उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए दरअसल मैं और वो 2017 से हमने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए। 100 से अधिक बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दिलवाना, उनकी यूनिफॉर्म्स, उनकी स्टेशनरी, सभी कुछ हम लोग अपनी पॉकेट मनी से करते आ रहे थे। साथ में फिर रक्तदान शिविर हर साल लगवाना, नेत्र जांच शिविर लगवाना, 100 से अधिक नेत्रदान, ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक कार्य थे जो हमने किए और हम लोग इसे निस्वार्थ भाव से करते आ रहे थे। और आज स्थिति में आज आने का हमारा मकसद ये है कि हम बेहतर से बेहतर कर सकें। मतदाताओं से मेरी अपील रहेगी कि 13 जुलाई को जब मतदान केंद्र पे जाएं, सबसे पहले तो मतदान देने जरूर जाएं, और अगर मतदान केंद्र पे जब जाएं तो 2 नंबर के बटन तीर कमान का निशान दबाकर और मुझे विजयी, भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि मैं बेहतर से बेहतर कार्य कर सकूं। आज का युग भ्रष्टाचारियों का नहीं है, शिक्षित लोगों का है। लोगों को एक सबक मिलना चाहिए और बेहतर से बेहतर काम करने के लिए मुझे अवसर दें, ताकि मैं आगे आ सकूं और आप लोगों की सेवा में समर्पित हो सकूं। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि 13 जुलाई को मुझे मतदान करके भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि मैं सारे कार्यों को अंजाम दे सकूं। मेरे कई सारे उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति कर मैं जनता की सेवा में रखना चाहता हूं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार। गुड मॉर्निंग टीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में दैनिक समाचार पत्र गुड मॉर्निंग का ऑफिशियल चैनल है। खबरों में बने रहने के लिए यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए गुड मॉर्निंग टीवी को, और ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए।